हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा शक्ति स्कूल शिक्षक भर्ती की, जहां आपको 38,000 तक सैलरी मिलती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है आप लोगों को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यानी आज जो है एक है और कल दो है, तो 2 ही दिन आपको मिल रहे हैं एप्लीकेशन करने के। तो जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने फटाफट से जो है वो वीडियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि कई बच्चे जो कि डेली ये देखते हैं कि कहीं की जो है वैकेंसी जो है निकले, तो हम उसमें अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, जहाँ बच्चों की जो है अर्निंग का सवाल होता है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वह हर तरीके की जॉब जो है वो देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप जो है वो टीचर हैं और आप टीचिंग लाइन की ही देखेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है निकली है, इंग्लिश टीचर की निकली है, हिंदी टीचर की है, गुजराती टीचर की है, मैथमेटिक टीचर की है, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, आर्ट एंड क्राफ्ट की है, साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ में वार्डन की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, अकाउंटेंट एंड क्लर्क की है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, क्या मैंने आपको जो सैलरी बताई है वही यहाँ पर मैंशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ये वैकेंसी। इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गुजराती, मैथमेटिक, जनरल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी में 38,000 आपको सैलरी मिलेगी। ये नहीं सोचना है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और अपने सब्जेक्ट में जो है वो बहुत महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं पढ़ाएं। ठीक है, और पढ़ाने के साथ साथ जो है वो आपका समय भी ऐसा ना लगे कि समय जो है वो ख़राब हुआ है। अगर सैलरी मिलती है तो समय खराब नहीं लगता है। 38,000 जो अपने आप में काफ़ी है। कई बच्चों की समस्या होती है कि जो है पैसों का अभाव होता है, और इस वजह से वह कहीं और कोचिंग भी नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट जॉब की उनको तैयारी करनी ही होती है। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी का जो है टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी जो है वो आप सब्जेक्ट को अच्छे से डीप में पढ़ें, और जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ा भी पाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी आप जो अध्यापक लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो डीप में पढ़ के ही जाएंगे। इससे आपकी तैयारी भी होती रहती है और साथ में आपको जो है सैलरी मिलती है, तो आपको समय जो है बिल्कुल उसका बेनिफिट महसूस होता है कि समय हमारा खराब नहीं हुआ है, और साथ में जो है वो फैमिली के लिए जो है आप लोग थोड़ा सा अर्न करते हैं तो खुशी होती है। ठीक है, और जो पैसों की समस्या है वह भी नहीं होती है, और पढ़ाई भी साथ में होती रहती है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आप उसको डीप में पढ़िए। ठीक है, अब हिंदी के अगर आप अध्यापक बन जाते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ऐसे जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बच्चे जो धीरे धीरे जिनकी एज निकलती जाती है और वह ये सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब तो लग ही नहीं रही है, अब हम क्या करें, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है वो आप कहीं भी लग जाएँ और पढ़ाना स्टार्ट कर दें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है अपने आप ही होती रहती है। 38,000 जो है वो काफ़ी हैं, काफ़ी नहीं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कहाँ से जो है ये वैकेंसी आउट हुई है, ये देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आउट हुई है, और ये कहाँ है, यह है गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में ये वैकेंसी है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अपना 100% देते हैं, तो ये लोग आपको हर साल जो है वो रखते जाते हैं। यानी कि अगर आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर रखा गया है और आपने अच्छा जो है वो बच्चों को पढ़ाया, तो ये आपको धीरे धीरे करके जो है वहाँ पर रख लेते हैं, परमानेंट भी कर देते हैं। ठीक है, सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट नहीं होती है कभी, कहीं ना कहीं जो है वो आप पढ़ाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन होता है जब सैलरी हाथ में आती है और हम उस सब्जेक्ट को पढ़ा भी रहे होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमें करनी है। ठीक है, तो फ्री जो है वो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को नहीं रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या रहेगी यहाँ पर। तो एमए अगर आपने इंग्लिश से 50% मार्क्स के साथ बीएड साथ में किया है, इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने टेट भी मांगा है, ऐसा नहीं है गुजरात टेट मांगा है, यहाँ पर आपने सी टेट क्लियर कर रखा है या आपने अपना जो है स्टेट का टेट क्लियर कर रखा है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टीचर के लिए जो है इंग्लिश मांगी गई है। हिंदी टीचर के लिए जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी आनी चाहिए, साथ में आपने टेट किया हो, बीएड, एमए हिंदी से 55% मार्क्स के साथ किया हो। ठीक है, एक्सपीरियंस की अगर बात है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो हिंदी में पढ़ाने का आपका 6 से 10th तक क्लास
ठीक है, सीबीएसई में आपका रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपने नहीं किया है तो भी आप अप्लाई करें यहाँ पर, जब अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलता है इन लोगों को तो ये आप लोगों को रख लेते हैं। गुजराती टीचर के लिए तो यहाँ पर गुजराती सब्जेक्ट जो है चाहिए एमए में। मैथ के टीचर के लिए जो है एमएससी, अगर आपने मैथ में 55% के साथ जो है बीएड किया हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस, अगर नहीं है, है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है देखिए, टेट जो है वो सभी में मांगा है, आपने अपने स्टेट का जो है वो टेट किया हो, चाहे गुजरात टेट किया हो, चाहे आपने सेंट्रल का टेट किया हो, सी टेट आपने कर रखा हो, तो आप यहाँ यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। जनरल साइंस में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इनमें 55% मार्क्स आपने गेन किए हों, बीएड है, सी टेट या जो है अदर टेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हो। सोशल स्टडी के लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, 55% मार्क्स के साथ बीएड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टेट मांगा है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए क्या मांगा है, तो यहाँ पर आपने जो है बैचलर डिग्री, यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखो, मास्टर डिग्री अगर नहीं कर रखी आपने तो बैचलर डिग्री आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कर रखी है 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर पाओगे। वार्डेंस के लिए आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखी हो 55% मार्क्स के साथ, साथ में बीपीएड ये मांगा गया है, ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में 55% मार्क्स, एमएस ऑफिस, यानी यहाँ पर जो है ऑफिस में जो वर्क होता है, कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि मिनिमम जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग, ठीक है, आपने किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से किया हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी से भी किया हो, तो ये मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकाउंटेंट और क्लर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स, और अगर आपने बीए किया है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम वाले को ज़्यादा प्रेफर दी जाएगी, साथ में एमएस ऑफिस और टैली की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मैंने बता दी। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या करना है, RRU वेबसाइट जो है यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर लेना है और उसे फिल कर लेना है, ठीक है। और 2 जुलाई से पहले जो है वो आप लोगों को ये सबमिट करा देना है, ठीक है। तो 2 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, यानी आपके पास 2 ही दिन बचते हैं, तो आप लोग जो अप्लाई यहाँ पर करें। देखिए, कोई किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा बच्चों को और फिर उनको बुलाया जाएगा, तो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और पूरी जो है मैंने यहाँ नोटिफिकेशन पढ़ा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है एज एज जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, बट यहाँ पर मुझे एज नहीं दिखाई दी। तो और भी अगर किसी भी तरीके की टीचिंग लाइन से जुड़ी वैकेंसी आउट होती है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तुरंत जो है वो पैसा चाहिए होता है, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो ऐसे में उनका पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो लग जाएं अगर आप, तो आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं, और जब व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जुट सकता है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।